महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें स्थापना दिवस के अवसर पर एमपी इंटर कॉलेज के परिसर में आयोजित साप्ताहिक समारोह की शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीडीएस जनरल विपिन रावत ने किया। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थान के इस कार्यक्रम में हर साल लगभग 45 कॉलेजों के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं और हर साल के कार्यक्रम में लगभग 10,000 से 12,000 छात्र छात्राएं भाग लेते हैं, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इस साल संख्या को 2,500 तक सीमित कर दिया गया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्र छात्राओं ने शोभा यात्रा के जरिए सीडीएस विपिन रावत को सलामी पेश किया, जिस पर सीडीएस विपिन रावत ने सलामी स्वीकार किया। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। फिलहाल अपने अपने अलॉटेड नंबर पर आप आराम से, ऑनर की कार्रवाई चल रही होगी उस समय आपको खड़ा होने का निर्देश दिया जाए। आप खड़े हो जाएंगे। और कार्यक्रम स्थल पर सार्वजनिक रूप से पानी पीने की व्यवस्था नहीं होगी। संस्थाध्यक्ष अपने विद्यार्थियों के लिए पानी की व्यवस्था रखें। अच्छा होगा कि 100 ml की बोतल अपने पास रखें। आवश्यक होने पर बगैर किसी व्यवधान के ग्राउंड में बैठे हुए भारत माता की, भारत माता की। ये साहब नहीं होना चाहिए। प्रबंध समिति के आदरणीय सदस्य, 2020 के उद्घाटन अवसर पर
शोभा यात्रा के शुभारंभ की घोषणा मैं करता हूं। धन्यवाद। Thank you.